This program is sponsored by Oriental Solutions Private Limited. Paisa smart, we are smarter. Shimla Biryani, swad zindagi ka. Nirman Concrete, the complete concrete solution. Aminia, the taste you love. Calcutta Leather Complex Tanners Association, we care for the environment. Co-sponsored by B Sizzler Dresses Private Limited, growing with style. RCS Table Tennis Academy, Abhijakto Aritana Mondal and Sons, Zia Fashion Kolkata. বেলগাছিয়া একরা এডুকেশনাল গ্রুপ বেলগাছিয়া মুসলিম হাইস্কুলের ১১তম অ্যানুয়াল কালচারাল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত করে। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া উলমা বোর্ডের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট শেখ গোলাম রাব্বানি। এই অনুষ্ঠানে আঁকা, অঙ্ক, কুইজ, যেমন খুশি সাজো, WBS, মক টেস্ট, তর্ক বিতর্ক, গাজেল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। প্রতিবেদন বাচ্চাদের হাতে সংবর্ধনা তুলে দেন শেখ গোলাম রাব্বানি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। তার পাশাপাশি শেখ গোলাম রাব্বানিকে সমাজসেবীর সম্বর্ধনা তুলে দেওয়া হয়। শেখ গোলাম রাব্বানি বলেন, মব লিঞ্চিং নিয়ে এমন একটি বিল পাশ করা উচিত যাতে সকলে ভয় পায়। দিল্লির CM অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে অনুরোধ করেন এই মব লিঞ্চিংয়ের বিরুদ্ধে বিল পাশ করতে, আর বলেন মব লিঞ্চিংয়ের বিরুদ্ধে বিল পাশের পুরো ক্রেডিটটাই তৃণমূল সুপ্রিমোর। দেখি, ইসকে লিয়ে তো হর অর্গানাইজেশন নে আপনি তরফ সে মেমোরান্ডম গভর্নমেন্ট কো দিয়া থা, और इसमें ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने भी हम लोगों ने DC पोर्ट डिवीज़न में वहाँ मेमोरेंडम दिया था। जो ये सब ऑर्गेनाइजेशन का एक जॉइंटली एक मेहनत है जो आज कामयाबी के सूरत में सामने आया है हम लोगों का, और इसका पूरा पूरा श्रेय और पूरा कामयाबी का जो ताज जो है वो मैडम ममता बनर्जी के सर पर जाना चाहिए। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी स्टेट के प्रेसिडेंट्स, सभी स्टेट के गवर्नर्स और सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स से कि आप मॉब लिंचिंग के ऊपर में इसी तरह का बिल पास करें ताकि जो कानून का डर जो दिल में होना चाहिए, आज हम लोग रास्ते पे सिग्नल नहीं तोड़ते हैं, क्यों कानून का डर रहता है हम लोग के अंदर में। आज हम लोग किसी के ऊपर हाथ उठाने से हम लोग डरते हैं, क्यों हम लोग कानून का डर है, लेकिन ये मॉब लिंचिंग का डर अब दिल में आना चाहिए और उसमें सख्त से सख्त कानून को रूल में लाना चाहिए, लॉ बुक में लाना चाहिए, ताकि जो डर कानून का डर हमेशा बना रहे। और मैं ये हर स्टेट के CM से रिक्वेस्ट करूँगा इसी तरह का बिल पास करें। और रिसेंटली जो एक अभी दिल्ली में जो मॉब लिंच किया गया है हमारे एक भाई को, कारी कईस को, तो ये बहुत ही दुख की बात है। जो इतना मॉब लिंचिंग के होने के बावजूद भी ऐसा किया जा रहा है, तो मैं ये जो आप पार्टी के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसी तरह का बिल पास करें ताकि और सख्त सख्त सजा दी जाए जो मॉब लिंचिंग किया गया है वहाँ पे दिल्ली में। तो इसका पूरा पूरा श्रेय मैडम ममता बनर्जी को जाता है। और जो हमेशा हम लोग कहते हुए आए हैं कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये आज भी प्रूव हुआ है। तो ये मॉब लिंचिंग का जो बिल सबसे पहले बंगाल में पास हुआ है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट हर स्टेट में पास होगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये आज भी सही और सच बात है। जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की ही कामयाबी नहीं है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये सब काम किया था। मैं सभी ऑर्गेनाइजेशन को मैं अपने तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो ऑल इंडिया जो हमारे साथ में शानाबाज शाना हमारे साथ खड़ी रही और मॉब लिंचिंग के खिलाफ हमेशा हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, प्रोटेस्ट की है, हर वार्ड में, हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने तरह से उसके खिलाफ प्रोटेस्ट की थी, जिसका नतीजा जो मैडम ममता बनर्जी ने एक फाइनल डिसीजन बिल पास करके मॉब लिंचिंग के खिलाफ लिया है, ये काबिल तारीफ है। कि NRC का मतलब यह है कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। तो जो लोग यहाँ पे सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, अचानक से अगर उनको बोला जाए कि आपको पानी पीना बंद कर दिया जाएगा, आपको घर देना बंद कर दिया जाएगा, तो वो लोग का घर बेघर हो जाएंगे। तो NRC से डरने का ज़रूरत नहीं है, मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा, NRC अपना लागू करें, लेकिन ये मैं कहूँगा सख्त लफ्ज़ों में कहूँगा कि आप बंगाल को छोड़कर कहीं भी लागू करें, आखिर में बंगाल में NRC लागू कर तो आपको नतीजा इसका मिल जाएगा। लेकिन बंगाल हर तरह का मुसीबत झेल कर आगे बढ़ा है और हम लोग इसको भी झेल के इंशाल्लाह। NRC यहाँ बंगाल में लागू हो या नहीं हो, हम लोगों को कागजात अपना सही रखना है। मिस्टेक जहाँ पे आपका मोहम्मद में आपका MD लिखा हुआ है उसको पूरा लिखना है, जहाँ पे आपका असगर अली में आप AJ जो नाम लिखते हैं ASGAR, कुछ लोग AHGAR लिखते हैं, तो उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी को लेकर गवर्नमेंट हम लोगों को यहाँ पे खेल रही है। ताकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अंदर में आज एडुकेशन कम है, हम लोग अपना स्पेलिंग का मिस्टेक दिखते नहीं है, हम लोग लिखाई पढ़ाई में है नहीं, तो इस तरह का खिलवाड़ जो हम लोगों के साथ हो रहा है, तो ये हम लोग भी इसका पलटा जवाब ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। आप एक बार लागू करें, उसके बाद आप देखें बंगाल आपको क्या जवाब देगा NRC का। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेलगछिया के हम लोग काशीपुर बेलगछिया में, और सारा कोई भी काम होता है तो हम लोग सारे लोग मिलके प्लान करते हैं कैसे किया जाए, और हम लोगों को यहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है,
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेलगछिया बहुत अवेयरनेस हो गया है और एजुकेशन का मामला में आज गुलाम भाई भी आए आके इनके बहुत ये खुश हुए हैं। खुश इस बात से हुए हैं कि इतनी अच्छे इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं इनके अंदर में, इतनी कम उम्र में इतनी टैलेंट है। तो बेशक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग एजुकेटेड लोग और सोशल वर्क जो भी करते हैं वो टाइम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजल्ट दिख रहा है और आगे भी दिखेगा और अच्छा होगा। हमेशा यही रहता है कि अगर आपको अपने आप को मजबूत करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छा काम करना पड़ेगा। और जैसे कि रब्बानी भाई हर तरह से पूरे इंडिया में इनका ब्रांचेस है ये काम कर रहे हैं, तो उसी तरह हम लोग भी जुड़ के एक साथ सबको हेल्प करें और आगे बढ़ें, यही मेरी मैसेज है। मेरा नाम शारिक खान और मैं सियासत भी करता हूँ और सोशल वर्क भी करता हूँ।